मैं गोविंदा को विनोद कांबली ऑफ फिल्म्स कहता हूँ और विनोद कांबली को गोविंदा ऑफ क्रिकेट कहता हूँ। भाई इसकी उम्र में 56 फिल्में। कभी कभी वो सेट पर जो लोग थे उनके कपड़े बदलवा देते थे। जिसने भी उनके डॉटर के करियर को सपोर्ट नहीं किया उसके साथ उन्होंने संबंध बिगाड़ लिया। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी। अक्सर लोगों को आपने कहते सुना होगा, यार काश एक बार सफलता मिल जाए, काश एक बार प्रसिद्धि मिल जाए, काश पैसा आ जाए। लोगों को लगता है सफलता मिल जाए, प्रसिद्धि मिल जाए, पैसा मिल जाए, नेटवर्क मिल जाए तो शायद ज़िंदगी की सारी समस्याएं आसान हो जाए और उसके बाद ज़िंदगी एकदम गोल्डन लाइन पर चलती रहे। क्या वाकई में असल ज़िंदगी में ऐसा ही होता है? मैं ये मानता हूँ सफलता पाना जितना कठिन है उतना ही कठिन उस सफलता को बरकरार रखना है। आज हम बात करेंगे कैसे सफलता को बरकरार रख सकते हैं। यदि आप सफलता के रास्ते पर हैं तो कौन सी गलतियां बिल्कुल ना करें, और इसके लिए दो क्लासिक एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। मैं गोविंदा को विनोद कांबली ऑफ फिल्म्स कहता हूं और विनोद कांबली को गोविंदा ऑफ क्रिकेट कहता हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब विनोद कांबली आए थे तो सबको लगा था कि ये सचिन से बेटर, सचिन से आगे जाएंगे, और जो उनके करीबी समकक्ष लोग कहते हैं वो कहते हैं वाकई में उसके टैलेंट में कोई कमी नहीं थी। इनफैक्ट जिस स्कूल के मैच में सचिन और कांबली ने मिलकर रिकॉर्ड बनाया था उसमें कांबली का स्कोर ज्यादा था। देखते ही देखते दुनिया का सुपरस्टार बनने की जिसमें काबिलियत थी वो खत्म हो गया, और ठीक यही फिल्मों में हुआ। गोविंदा जब आए इतनी तेजी से उन्होंने सफलता हासिल की, इतना टैलेंट था, इतने वर्सटाइल थे, जब वो अपने करियर के पीक पर थे उनके जैसा कोई स्टार नहीं था। अबे हटा सावन की घटा, खा खुजा पत्ती बुझा के सो जा, निंटकले पिंटुकले मंटी पे खड़े अंटी बजाने लिए बार बार घंटी, कुल्ला घुमा के पश्चिम को पलट ले, बहुत हो गया फुटले वटले छलावन क्या, चल वो बाहर छोड़ गया। उनके सामने ऑन स्क्रीन प्रेजेंस में कई बार बड़े बड़े स्टार हड़बड़ा जाते थे क्योंकि वो स्क्रीन को पूरी तरीके से डोमिनेट कर जाते। चाहे रोल कॉमेडी हो, चाहे रोल सीरियस हो, चाहे डांस करना हो, कुछ भी हो, गोविंदा हर जगह 100 out of 100 थे, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन देखते ही देखते 90 के दशक का ये सुपरस्टार अपने कुछ ब्लंडर्स की वजह से महज कुछ सालों में 2000 में खत्म हो गया। आज हम बात करेंगे गोविंदा के कुछ ब्लंडर्स की, ताकि उज्ज्वल पाटने यूट्यूब चैनल देखने वाले लोग कम से कम अपने करियर में, अपने लाइफ में, अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में वो ब्लंडर्स ना करें। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको याद दिला दूं, ये वीडियो आप उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, कहीं से आया हो तो भाई सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा लेना, और जिसको नहीं पता आपको बता दूं 600 से ज्यादा वीडियो लाइफ पे, बिजनेस पे, करियर पर, प्रोडक्टिविटी पर, पेरेंटिंग पर, वर्ल्ड क्लास। यानी हर मॉर्निंग यदि आप 10 मिनट इस चैनल को देते तो जीवन के जिस हिस्से को आप चाहें इंप्रूव कर सकते हैं। मीडिया मुगल रूपर्ट मडॉक कहते हैं, योर नेटवर्थ इज इक्विवेलेंट टू योर नेटवर्क। आपकी जो नेटवर्थ होगी, आपकी जो ऊंचाई होगी, आप जीवन में जहां भी पहुंचेंगे वो बहुत हद तक डिपेंड करेगी कि आपका नेटवर्क कैसा है, आपके करीबी लोग आपके बारे में क्या महसूस करते हैं, वो आपको रिकमेंड करते हुए भीतर से कितना खुश होते हैं, कितने चांस है कि उनको जब भी मौका मिले, जहां भी मौका मिले वो आपको रिकमेंड करेंगे। गोविंदा की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी संबंध खराब कर लेना। गोविंदा के अपने सबसे फेवरेट डायरेक्टर डेविड धवन, जिन्होंने मिलकर कॉम्बिनेशन में खूब हिट फिल्में दी, उनके साथ संबंध खराब हुए। गोविंदा के सलमान खान के साथ संबंध खराब हुए, और सबको पता है कि यदि सलमान खान के साथ संबंध खराब करो तो उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। यही असली जीवन में भी काम करता है। कोई बहुत पावरफुल व्यक्ति, कोई बहुत इन्फ्लुएंसर व्यक्ति, कोई रोल मॉडल, कोई साइजेबल व्यक्ति के साथ यदि आपने संबंध खराब किया तो वो आपकी एंट्री बहुत जगह बंद कर देते। कहते हैं गोविंदा अपनी डॉटर के करियर को लेकर इतने ज़्यादा एग्रेसिव थे कि जिसने भी उनके डॉटर के करियर को सपोर्ट नहीं किया फिल्मों में उसके साथ उन्होंने संबंध बिगाड़ लिया। एक वक्त ऐसा आया कि गोविंदा को रिकमेंड करने वाला कोई नहीं बचा। इसीलिए आज एक बात आपसे कहता हूँ, यदि बड़ा बनना है तो संबंध बनाइए, क्योंकि जिन सीढ़ियों से आपको ऊपर जाना है एक दिन उन्हीं सीढ़ियों से नीचे आना है,
कहीं ऐसा ना हो कि आप ऊपर की जर्नी में लोगों को इतना हर्ट कर दें, इतना हिट कर दें कि वो आपके सपोर्ट में नीचे के पायदान हटा लें। गोविंदा का अंधविश्वासी होना उनके करियर में बहुत नुकसानदायक रहा। यूं तो देखो, अंधविश्वास एक पर्सनल चीज़ है। मैं कौन सा कपड़ा पहनूं, मैं कौन सी अंगूठी पहनूं, मैं कहाँ पे मत्था टेकूं, मैं कितने बजे उठूं, मैं कौन सा भजन गाऊं, कौन से वक्त में मैं क्या देखूं, किधर देखूं, ये सब मेरा अपना मामला है। लेकिन जब आपका अंधविश्वास लोगों को परेशान करने लग जाए, उस वक्त ये पब्लिक मामला हो जाता है और ये न्यूजेंस में कन्वर्ट हो जाता है। गोविंदा सेट पे आते थे, किसी किसी दिन उनको डर लगता था आज ये झूमर गिरने वाला है और उस दिन की शूटिंग कैंसिल हो जाती थी। कभी उनको लगता था सेट पे आग लगने वाली और शूटिंग कैंसिल हो जाती थी। कभी कभी वो सेट पर जो लोग थे उनके कपड़े बदलवा देते थे। आज यदि इस कलर के कपड़े में शूटिंग होगी तो मूवी सफल नहीं होगी, आज की शूटिंग सही नहीं होगी, आज रिटेक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इतना ज़्यादा ड्रामा उनका बढ़ गया कि वो सेट पर एक डिस्कम्फर्ट का कारण बन गया। अब देखिए, डायरेक्टर्स की मजबूरी होती है, उनको तो पिक्चर पूरी करना है, साथ ही जितने कलाकार हैं उनको मेन स्टार के स्टारडम के साथ एडजस्ट करना है, लेकिन वो दूसरी बार काम करना नहीं चाहेंगे। किसी व्यक्ति का स्टारडम परमानेंट नहीं है, किसी व्यक्ति का शिखर पर रहना परमानेंट नहीं है। यदि आपकी वजह से लोग हैप्पी नहीं है, उनको दिक्कतें हैं, उनके काम डीले हो रहे हैं, उनका रिजल्ट खराब हो रहा है, तो वो नेक्स्ट टाइम आपके साथ काम नहीं करेंगे। और जैसे ही वो आपके साथ काम नहीं करेंगे, आपके सफलता का ग्राफ नीचे आने लग जाएगा। इसलिए अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस को पर्सनल ही रखिए, उसको पब्लिक मत बनाइए, और ऐसा जीवन जिए, चाहे व्यापार हो चाहे जिंदगी हो, जिससे आपके आसपास वाले लोगों को आपकी वजह से मिनिमम डिस्टरबेंस और मैक्सिमम कंफर्ट हो। वो आपको बहुत ही शानदार कंपेनियन और कोवर्कर मानेंगे और आपके साथ हमेशा काम करने का मौका ढूंढेंगे। आपकी उम्र कितनी है? 22। आप कितनी पिक्चरें कर रहे हैं इस वक्त? 56। 22 की उम्र में 56 फिल्में, तो नतीजा क्या होगा? क्या एक हीरो 56 फिल्मों के साथ जस्टिस कर सकता है? चलिए आमिर खान ना सही कि आप 2-3 साल में एक पिक्चर कर रहे हैं, यदि आप अक्षय कुमार जैसे फास्ट मूविंग एक्टर को भी देखेंगे तो वो भी साल में 8-10-15 पिक्चरों से ऊपर कभी नहीं गए। लेकिन गोविंदा एक साल में 50 से ज्यादा पिक्चरें साइन कर चुके थे। अब होता क्या था कि एक की डेट दूसरे को गई, एक का टाइम दूसरे को गया, कभी किसी के सेट पर पहुंच रहे हैं, कभी कहीं नहीं पहुंच रहे, कहीं एक जगह डिले हो रहा है, कहीं दूसरी जगह डिले हो रहा है, तो चारों तरफ केओस हो गया, कमिटमेंट फेलियर्स की बहुत बड़ी तादाद हो गई। कहते हैं ना, जितना खा नहीं सकते, जितना हजम नहीं कर सकते, उतना थाली में ले लिया। अब जब आप एक साथ 56 फिल्में करेंगे तो क्या होगा कि आप सेट पर लेट आएंगे, आप पिक्चरों के बीच के टाइम को मैनेज नहीं कर पाएंगे। अब जिस सेट पे और बहुत सारा क्रू आपके लिए तैयार है, एक पिक्चर में, एक सीन की शूटिंग में 25, 50, 100, 200 लोग भी हो सकते हैं, वो उतने सारे लोग यदि आपके लिए वेट कर रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा, कभी कभी पूरा दिन निकल गया, पता चला आज तो गोविंदा साहब नहीं आए, और धीरे धीरे इसकी वजह से जनरल डिससेटिस्फेक्शन फैल गया। अब सोच कर देखिए, पिक्चर का लीड एक्टर, उसी के ऊपर पिक्चर टिकी है, यदि जरा सा उससे सवाल जवाब किए और उसने आना छोड़ दिया, तो उसने बीच में पिक्चर छोड़ दी, तो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। इसलिए सब लोग डर के रहते थे, कोई कुछ कहता नहीं था, कोई कुछ फीडबैक नहीं देता था, और जब एक्टर थोड़ा शॉर्ट टेम्पर हो, एग्रेसिव हो, तो लोग और घबराते हैं। और फिर कुछ किस्से ऐसे जो आग की तरह फैले, जैसे मनी है तो हनी के सेट पर उन्होंने उठाया, एक रिपोर्टर को थप्पड़ जड़ दिया। मैं नहीं जानता कि कारण सही था कि गलत, लेकिन इस वजह से लोग एक्चुअल फीडबैक नहीं दे पाते और धीरे धीरे आप बाजार से खत्म होते चले जाते हैं, क्योंकि जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपको एक बार साइन करता है वो दूसरी बार साइन नहीं करता। और एक बात लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए मील का पत्थर है, डिलीवर मोर देन प्रॉमिस्ड। यदि आप अपने प्रॉमिस से कम डिलीवर करेंगे, बहुत सारे सवाल उठेंगे, फेलियर का दरवाजा आप खुद खोल देंगे। हमने उज्जवल पाटनी इंटरनेशनल में अपना कोर वैल्यू क्या रखा है? डिलीवर मोर देन प्रॉमिस्ड। एक VIP में लोग घुसते हैं, 10 से 6 के लिए आते हैं या 10 से 5 का उनको टाइम दिया जाता है, हम 7, 7:30, 8 बजे छोड़ते हैं। हमें कोई कीनोट स्पीच के लिए बुलाता है, उसके साथ 1 घंटे 1.5 घंटे की डील होती है, हम 2.5 घंटा 3 घंटा बोलते हैं, और तब तक बोलते हैं जब तक हमारा टॉपिक खत्म ना हो जाए और यहाँ अंदर से आवाज़ ना आने लग जाए कि यार उज्जवल पाटनी, तुमने अपनी पूरी ताकत झोंकी है।
तो जब 22 साल की उम्र में 56 फिल्में एक साथ टेबल पे आ गई तो गोविंदा का पूरा डिसिप्लिन गड़बड़ा गया, इससे उनकी पूरी रेपुटेशन गड़बड़ा गई और नई पिक्चरें मिलना बंद हो गई। कहते हैं जब आप सफल हो तो फैसले बहुत सोच समझ कर लेने चाहिए, क्योंकि सफलता के शिखर पर गलत फैसला लेने से फ्री फॉल होने की संभावना होती है। जब आप छोटे होते हैं आपको 100 लिबर्टी होती है, आप कितनी भी गलतियां करें उसके बाद आप फिर से खड़े हो सकते हैं। लेकिन जब आप बड़े होते हैं ना, बहुत क्रूएल है दुनिया, आपकी गलतियों को माफ़ नहीं करती। चादर जितनी सफ़ेद हो छोटा सा काला दाग भी बड़ा बन के दिखता है। गोविंदा बड़े हो चुके, गोविंदा फेमस हो चुके थे। अब गोविंदा का फर्ज था कि वो पिक्चरों को बहुत चुन कर साइन करते, लेकिन पता नहीं गोविंदा का बैकग्राउंड उनसे कह रहा था या उनके चाइल्डहुड के स्ट्रगल उनसे कह रहे थे कि तेजी से पैसा बनाओ, वो आंख बंद करके पिक्चरें साइन कर रहे थे। यू जनरल ट्रेंड देखा जाए तो जब कोई स्टार सफल होता है ना, वो बहुत चूजी हो जाता है, हर एक पिक्चर को बहुत ध्यान से चुनता है, यहाँ तक कि डायरेक्टर को देखता है, म्यूजिक डायरेक्टर को देखता है, वो को वर्कर को देखता है, वो थीम को, स्क्रिप्ट को, हर चीज़ को देखता है, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को देखता है, क्योंकि उसको लगता है यदि पिक्चर असफल हुई तो मैं यूं ऊपर से नीचे गिरूंगा और कोई पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन गोविंदा ने मानो उल्टा कर रखा था, शायद उनको बहुत पैसा कमाने की हड़बड़ी थी, वो अगेंस्ट द प्रोफेशन चले गए, अगेंस्ट द ट्रेंड चले गए और एक बार में आंख बंद करके इतनी पिक्चरें साइन की, कई पिक्चरें रिलीज हुई, कई नहीं हो पाई और लार्ज स्केल फ्लॉप्स ऐसी हुई कि उनको सीधा सीधा काम मिलना बंद हो। आप ये जानकर आश्चर्य करेंगे कि ताल, देवदास, गदर ये सब पिक्चरें गोविंदा को ऑफर हुई थी, तो सिर्फ स्पीडी सेलेक्शन या ब्लाइंड सेलेक्शन ही कारण नहीं था, बैड सेलेक्शन भी बहुत बड़ा कारण था। तो जैसे हम बिजनेस में कहते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने के पहले मार्केट स्टडी करो, रॉन्ग प्रोडक्ट लॉन्च मत करना, यदि आप टीम को हायर करने जा रहे हो तो बेस्ट टीम हायर करो, यदि आपने गलत टीम हायर की तो वो आपकी कंपनी को नीचे ले जाएगा, ठीक इसी तरीके से गोविंदा ने जब बैड फिल्में चुनी और गुड फिल्मों को छोड़ा तो रिजल्ट क्या होना था, ये तो डबल स्पीड से डैमेज था। तो यदि आप गोविंदा की लाइफ को बहुत ध्यान से देखेंगे तो फास्ट सक्सेस और फास्ट फेलियर का क्लासिक एग्जांपल है। और अंत में ताबूत में सबसे बड़ी कील जो हमको आसपास भी बहुत लोगों में ठुकी भी मिलेगी, बड़ बोलापन। भाई चाहे परिवार हो, व्यापार हो, ये जो जबान है ना लप लप करती रहती है, ज्यादा नहीं बोलना, क्योंकि आप तो वहां से चले जाओगे, आपके बोले हुए शब्द जिंदा रह जाएंगे। और यदि आप सफल हो तो माइक पर और सोशल मीडिया पर ज्यादा नहीं बोलना, नहीं तो भावेश अग्रवाल और ओला जैसा मामला हो जाएगा। गोविंदा एक बार अपने बड़बोलेपन में यहां तक कह गए, अवतार टाइटल मैं नहीं दिया था और मैंने ये भी कह दिया था कि ये फिल्म तुम्हारी 7 साल नहीं बनेगी, और मैं जिस टाइप का आदमी हूँ, ये 410 दिन तुम चाह रहे हो कि मैं आयुर्वेद, पतंजलि का चिकित्सा और क्या क्या करता रहता हूँ, और तुम ये कहा मुझे कलर करोगे पूरी बॉडी में मेरे, मैं कहा मुझसे नहीं होगा, सॉरी। तो मैं क्षमा प्रार्थना की थी, परंतु मैं कह दिया था कि ये पिक्चर तुम्हारी सुपर हिट होने वाली है। अब लोगों ने खूब हंसी उड़ाई, लेकिन आप स्टार हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन जब नीचे गिरोगे ना, उस वक्त यही बोले हुए शब्द आपके ऊपर पलट के आके आक्रमण करेंगे और तब बच नहीं पाओगे। और अभी आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, अरे पाटनी, आपको गोविंदा पर बोलने की क्या जरूरत पड़ गई? भाई अभी अभी गोविंदा न्यूज में आए, उन्होंने अपने ही पैर में रिवॉल्वर से गोली मार ली, कि गोली चल गई, कि न्यूज बनाने के लिए एक्टिविटी हो गई, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन अचानक ही गोविंदा लाइट में आए तो उनके सारे सक्सेसेस और सारे फेलियर्स भी लाइट में आ गए। तो हमने सोचा विनोद कांबली की तरह गोविंदा भी एक बहुत बड़ा लेसन है जो हमारे व्यूवर्स को मिलना चाहिए। यदि आपने विनोद कांबली की केस स्टडी नहीं देखी हो तो आप उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर उसको जरूर देखना, ताकि आप ये गलती ना करें। यदि सफल हो जाए तो आप वहीं रुके रहें और पूरा जीवन सफलता के साथ गरिमा के साथ बिताएं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार।